पहली बार जब देखा था तो मुझे कहा था कि यार तू जिंदगी में क्रिकेट खेलेगा नहीं या बनेगा भी नहीं, इसलिए अभी छोड़ दे कुछ और कर। और उसके बावजूद इन लोगों ने ये वर्ल्ड कप जीता। कैसे जीता? रणवीर और हम लोग वही बोल रहे थे कि यार ये एक फिल्म है जो रणवीर सिंह को मेरा दोस्त कहना, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, सेलिब्रिटी कट्टा में आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। आई नो आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि आज मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसी पर आधारित एक हिंदी मूवी आने वाला है, उनका नाम है 83। और उसी मूवी में मराठी अभिनेता चिराग पाटिल काम कर रहा है और वो खुद ही पापा का रोल कर रहा है, मतलब उनके पापा का रोल कर रहा है। तो उसी के बारे में मैं उनके साथ बातचीत करने वाली हूँ। नमस्कार। नमस्कार, सेलिब्रिटी कट्टा में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले बताओ कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। तो वो जो फिल्म है 83 नाम की, तो उसी फिल्म में आप अपने खुद के पिता का ही रोल कर रहे हो, तो क्या अनुभव है उनके तरफ से, क्या कुछ टिप मिले हैं क्या आपको? बहुत बढ़िया एक्चुअली, मैं मेरे लिए एक ऑनर है। किसी भी बेटे के लिए आपके हमेशा बचपन से लेके जवानी तक अपने बाप को हमेशा वो एक हीरो की तरह देखता है, और उनका रोल अदा करना या उन्होंने जो किया है उसको स्क्रीन पे लाना, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने कहा कि एक ऑनर है मेरे लिए। और टिप्स तो बहुत मिले, क्योंकि घर में ही पापा थे, तो जब भी कोई शॉट ठीक से नहीं आ रहा था तो उनके पास जाके मैं पूछता था हमेशा, तो उन्होंने हमेशा बहुत हेल्प की उसमें। वो आ रहे थे क्या शूट देखने के लिए? नहीं, वो उन्होंने आज तक मेरी एक भी फिल्म देखी नहीं है या मैं एक भी फिल्म के सेट पे आए नहीं है, लेकिन ये फिल्म के लास्ट आई थिंक एक हफ्ता शूटिंग का रह गया था। बॉम्बे में हम लोग जब शूट कर रहे थे तो एक दिन आए थे। अच्छा। और काफ़ी देर बैठे भी थे सेट पे, क्योंकि उनके लिए भी वो सब देखना और एक्सपीरियंस करना, ये उनके लिए भी एक काइंड ऑफ ये था मेमोरी वापस उसको दोहराना, वैसे था। तो आए थे और उनको बहुत मजा आया। तो टेंशन आया था उसी वक्त? नहीं नहीं, क्योंकि पापा ही खुद देख रहे थे सामने बैठकर। लेकिन ऐसा है कि उनका मतलब वो क्रिकेटर है और मैं एक्टर हूँ, तो दोनों अलग फील्ड्स है, तो उनके फील्ड में वो ज़्यादा जानते हैं और मैं मेरे फील्ड के बारे में ज़्यादा जानता हूँ उनसे, ऐसा क्योंकि मैंने ज़्यादा फिल्में की है। और मुझे अभी भी याद है कि जब भी मैं पहली बार जस्ट बिकॉज डैड क्रिकेटर है तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं भी क्रिकेट खेल लूँ, तो उन्होंने मुझे पहली बार जब देखा था तो मुझे कहा था कि यार तू जिंदगी में क्रिकेट खेलेगा नहीं या बनेगा भी नहीं, इसलिए अभी छोड़ दे कुछ और कर। तो मैंने, और मुझे उतना इंटरेस्ट था भी नहीं, मुझे एक्टर ही बनना था। और कुछ साल पहले उन्होंने भी एक फिल्म की थी, तो जब मैंने उनकी फिल्म देखी तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ ज़िंदगी में एक्टिंग कभी मत करना। तो इसलिए टेंशन बिल्कुल ही नहीं आया। दोनों ने एक दूसरे के साथ सलाह दी। हाँ, तो मुझे बताओ कि रणवीर सिंह भी काम कर रहे हैं इसी फिल्म में और वो कपिल देव की भूमिका कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा है? बहुत ही बढ़िया। वो पता नहीं वो इतनी सारी एनर्जी पहली बात तो कहाँ से लाते हैं, और वो जब सेट पे होते हैं तो उनकी वजह से बाकी सब लोग चार्ज हो जाते हैं। हाँ। कि और बहुत कुछ सीखने के लिए उससे, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और मैं बहुत लकी हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला है, और ना सिर्फ काम किया है, मैंने उनका दोस्त बन गया हूँ मैं तो। क्या वो बात है, उसको रणवीर सिंह को मेरा दोस्त कहना, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो शूटिंग की प्रोसेस कैसी थी, मतलब कब चालू हुआ था शूटिंग और क्या? हमारा प्रेप तो शुरू हो गया था अभी पिछले अगस्त में, हमारा प्रेप शुरू हो गया था, तो एक साल से ज़्यादा हो गया अभी। और हम लोग लंदन, शूटिंग इसका पूरा लंदन में हुआ है। अच्छा। 80% 90% ऑफ द फिल्म लंदन में शूट हुई है, जो रियल लोकेशंस थे लॉर्ड्स, ओवल, टर्नब्रिज, सब वहीं पे हम लोग ने शूट किया है। तो 3 महीना हम लोग लंदन में थे। ओ।
और बीच में मतलब लंदन में कुछ दिन, कुछ हाँ। दिन स्कॉटलैंड में, ऐसे पूरा यूके हम लोग 3 महीने उधर शूट किया। फिर हम लोग वापस आने के बाद 10 दिन का गैप था, उसके बाद वापस 1 महीना बॉम्बे में शूट किया। तो टोटल 4 महीना हम लोग ने ये फिल्म शूट की है। तो हरभजन सिंह भी आए थे, सचिन तेंदुलकर भी आए थे, वो गॉड माने जाते हैं, तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिली है आपको? नहीं, उनका एक्चुअली तभी हुआ क्या था कि उधर एक कुछ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हो रहा था। अच्छा। तो उसके लिए ये सब क्रिकेटर्स वहाँ पे आए थे। हाँ। और बिकॉज हम लोग भी वहाँ थे तो हम भी गए थे। और इन लोग को तो मैं, बिकॉज मेरे पिताजी क्रिकेटर है तो सचिन काका मैं बोलता हूँ उनको, तो अच्छा। उनको मैं बचपन से देखा हूँ। हाँ। जानता हूँ, तो बहुत सालों के बाद मिल रहा था, तो जब उसने भी देखा और उनको भी ये लगा कि अरे यार शौक, उनके लिए भी एक शौक जैसा था कि अरे इतना बड़ा हो गया, लंबा हो गया। तो बट अच्छा, उनको भी अच्छा लगा। और वो सब लोग कह तो रहे हैं कि मैं उनकी तरह दिख रहा हूँ, लेकिन अभी ऑडियंस, फाइनल कॉल ऑडियंस का है। तो हमें ना शूटिंग के दौरान जो बहुत मजा मस्ती भी रहती है, मतलब शूटिंग तो होता ही रहता है लेकिन कुछ मजा मस्ती भी रहती है, तो हमें सुनना है कि जानना है कि क्या हो रही थी मजा मस्ती। बहुत 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 ज्यादा। आप सोचो ना, 14 लड़के किसी और देश में क्या होगा, मस्ती होगी और क्या होगा। और हम लोग का शूटिंग भी बहुत ऐसा चिल्ड आउट था, ऐसा कुछ था नहीं, सब एटमॉस्फेयर भी जो था, कबीर खान बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है और वो समझते हैं कैसे हर एक आदमी के साथ, यू नो, इतने सारे एक्टर्स है, आप कभी सोच नहीं सकते कि आज की डेट में इतने सारे एक्टर्स, उनके ईगोज, मतलब हम सोच, ऐसा लगेगा कि यार इनके बीच में झगड़ा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। सब हम दोस्त की तरह रहे और हर एक की अलग अलग लाइक्स डिसलाइक्स थी और सबको हम लोग ने उतना आपस में रिस्पेक्ट करते थे और सबको अपना अपना स्पेस भी देते थे। लेकिन जब ऑफ होता था तो बहुत पार्टी करते थे और बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। तो अब शूटिंग खत्म हो गया है तो आप मिस कर रहे हैं क्या सभी लोगों को? जी जी, ये एक फिल्म है जो हम सब, लास्ट डे जब था हमारा शूटिंग का, तो हम लोग ने हडल किया, रणवीर इंक्लूडिंग रणवीर, और हम लोग वही बोल रहे थे कि यार ये एक फिल्म है जो सबके याद में रहेगी, क्योंकि इतनी देर 3 महीना किसी के साथ बिताना एक सेट पे, तो सबके साथ एक वो फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग फिल्म शूट करते 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मैक्सिमम। हाँ। और वो भी कभी कभी बॉम्बे में, तो और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली हम लोग उधर ही रहते हैं, तो ये फैमिली जैसी बन गई है और डेफिनेटली हम सभी एक दूसरे को मिस करेंगे। तो मुझे आप बताओ कि ये जो अपनी भूमिका निभाई है तो उसके बाद खुद में कुछ बदलाव हुए है क्या? नहीं, बदलाव तो नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक्टर एक जब किरदार निभाता है, अभी चाहे वो अपने खुद के पिताजी का हो या कोई भी और किरदार निभाता है, तो जिस दिन आपका पैकअप हो जाता है या डबिंग खत्म हो जाता है फिल्म की, तो उसमें से बाहर आता है, क्योंकि वो हम एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम, अगर मैं कल किसी मर्डरर का रोल कर रहा हूँ तो मैं शूटिंग खत्म होने का मर्डर करना शुरू करूँ, तो ऐसा नहीं होता है। पर एक चीज़ है कि जो ग्रेटनेस, ये 83 टीम ने जो कुछ अचीव किया था उस जमाने में, इतनी इक्विपमेंट्स भी नहीं थी जितनी आज है, टेक्निकली इतने साउंड नहीं थे, फिजियोज नहीं थे, कोचेस नहीं थे, और जूते वगैरह आज जो, मतलब मैं बोल रहा हूँ इन जनरल, टेक्नोलॉजी जो तरीके से आगे चली गई है उतनी नहीं थी, और उसके बावजूद इन लोगों ने ये वर्ल्ड कप जीता। कैसे जीता ये तो पूरी कहानी आप जब पिक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगी डिटेल में। तो वो जो अचीवमेंट था, वहाँ से एक ही चीज़ सीखने को मिली कि हार नहीं माननी चाहिए कभी लाइफ में। करेक्ट। मतलब कुछ भी हो सकता है अगर आप मेहनत से काम करो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते या नहीं हासिल कर सकते। तो वो एक बहुत बड़ी सीख मिली है ये पिक्चर करने के बाद। तो जाते जाते मुझे बताओ कि लोगों ने ये फिल्म थिएटर में जाके क्यों देखनी चाहिए? एक ह्यूमन स्टोरी है, मतलब मोर देन स्पोर्ट्स स्टोरी, एक ह्यूमन स्टोरी है कि कैसे 14 लोग 13 लोग कैसे गए, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम
क्योंकि वो अंडरडॉग्स थे और इतनी बड़ी बड़ी टीम्स थी, वेस्ट इंडीज उस टाइम की बहुत ही जानी मानी टीम थी, उनके सामने परफॉर्म करना, खेलना, बाहर के देश में जाना, तो ये जो पूरी उनकी जर्नी है, तो ये जर्नी बहुत ही प्यारी जर्नी है कि कितना उसमें इनोसेंस था, कितना उसमें एक नाइवनेस जो हम लोग बोलते हैं वो था, आजकल वो तो किधर देखने को मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगा कि प्लीज़ जाके ये फिल्म देखो, मोर देन अ स्पोर्ट्स फिल्म, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।